गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स, जो कि आपका 307 सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 है। प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने देखा कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स क्या होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके कुछ फीचर्स और डेटा शीट देखी ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी की। तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे कि हाउ ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स कैन बी यूज्ड एज अ नॉन इन्वर्टिंग एंड अ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। और ये देखेंगे कि एक कंसेप्ट होता है वर्चुअल ग्राउंड या वर्चुअल शॉर्ट। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसे आप न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आप देख सकते हैं जैसे कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ओपैम्प के, वी डी वर्सेज वी नॉट ग्राफ। वी डी होती है डिफरेंशियल वोल्टेज, जो कि आपके इनपुट इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स के बीच का वोल्टेज डिफरेंस कहलाता है, और वी नॉट है आपका आउटपुट वोल्टेज। जैसा कि आप जानते हैं ओपैम्प का ओपन लूप गेन काफ़ी ज़्यादा होता है, 10 की पावर 5 या 10 की पावर 6, और इसका इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है मेगा ओम्स में, और आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, आइडियली देखा जाए तो 0। तो इन्हीं फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ ये कर्व देखने की कोशिश करते हैं। कर्व में 2 रीजन्स हैं। पहली रीजन है नेगेटिव सैचुरेशन, दूसरी लीनियर रीजन, और तीसरी पॉजिटिव सैचुरेशन रीजन। जनरली एम्पलीफायर हमेशा लीनियर रीजन में ही काम करते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये लीनियर रीजन, जब ओपन लूप गेन की बात करें तो ये काफ़ी छोटी होती है। अब इतनी छोटी रीजन में अगर एम्पलीफायर का यूज़, मतलब एक ओपैम्प को एम्पलीफायर के तौर पे यूज़ में लेना है, तो थोड़े से लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको गेन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो गेन कैसे कंट्रोल करेंगे, गेन फीडबैक के माध्यम से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और फीडबैक दोनों तरह से हो सकता है, पॉजिटिव फीडबैक भी या नेगेटिव फीडबैक भी। मतलब आपका इनपुट टर्मिनल जब इन्वर्टिंग है, अगर हम आउटपुट से इनपुट पे फीडबैक देंगे तो वो पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक कहलाएगा, और अगर पॉजिटिव टर्मिनल जैसे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे फीडबैक देंगे आउटपुट से तो उसे कहेंगे हम पॉजिटिव फीडबैक। बट पॉजिटिव फीडबैक इसलिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक की वजह से सिस्टम ऑक्सीलेटरी बिहेव करता है, मतलब अनस्टेबिलिटी की तरफ जाता है। तो सिस्टम को अगर स्टेबल रखना है तो हमें नेगेटिव फीडबैक देना पड़ेगा, और एम्पलीफायर्स में जनरली नेगेटिव फीडबैक दिया जाता है क्योंकि हमें गेन को थोड़ा सा कंट्रोल करना है। और जैसे कि पॉजिटिव फीडबैक देने पे सिस्टम वुड टर्न अप इनटू ऑक्सीलेशंस, ऑक्सीलेटरी बिहेव करता है। इसकी एप्लीकेशन भी है ऑक्सीलेटर्स। एम्पलीफायर्स में नेगेटिव फीडबैक, ऑक्सीलेटर्स में पॉजिटिव फीडबैक, जैसे कि आपने पढ़ा होगा। तो हम इसके गेन को कंट्रोल करेंगे बाय मींस ऑफ फीडबैक। अब उससे पहले हम एक कंसेप्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं, वर्चुअल ग्राउंड। अब वर्चुअल ग्राउंड या वर्चुअल शॉर्ट कह लेते हैं, ये क्या है बेसिकली, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करेगा। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हमने एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर लिया है जिसमें फीडबैक हमने नेगेटिव टर्मिनल पे दिया है, इन्वर्टिंग, नेगेटिव साइन मतलब इन्वर्ट कर देने वाला, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे फीडबैक दिया है आरएफ के माध्यम से। एक रेजिस्टेंस है और R1 है हमारा इनपुट रेजिस्टेंस, Vin इनपुट वोल्टेज, और हमने पॉजिटिव मतलब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड कर दिया है। अब देखने की कोशिश करते हैं कि ओपन लूप गेन, जैसे कि हम जानते हैं ओपैम्प का 10 की पावर 5 या 10 की पावर 6 होता है, यहाँ पर सपोज कर लेते हैं 10 की पावर 6 है, तो ओपन लूप गेन 10 की पावर 6 है, तो आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, गेन इनटू दोनों टर्मिनल्स का वोल्टेज डिफरेंस, मतलब V1 माइनस V2। कहने का मतलब इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग इनटू इसका ओपन लूप गेन इज़ इक्वल टू आउटपुट। ये होती है जनरल इक्वेशन। जैसे कि हम देख सकते हैं VD इज़ इक्वल टू V1 माइनस V2, या कह सकते हैं V प्लस माइनस V नेगेटिव, मतलब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो वोल्टेज है माइनस जो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वोल्टेज है, उन दोनों का डिफरेंस कहलाता है VD। और उसको अगर आप ओपन लूप गेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा। अब लेट अस सपोज आउटपुट वोल्टेज 10 वोल्ट है, यहाँ पे अज्यूम करते हैं,
और हम जानते हैं ओपन लूप गेन अराउंड 10^6 होता है। तो डिफरेंशियल वोल्टेज अगर देखा जाए तो फॉर्मूले से क्या निकल के आएगा, 10 μV। अब 10 μV हम जानते हैं बहुत छोटी वैल्यू होती है वोल्टेज की, तो अगर देखा जाए तो इतनी छोटी होती है कि इट्स समवॉट सिमिलर टू और समवॉट नियर बाय 0 V। तो हम इसको अप्रॉक्सीमेट करके 0 V लिख सकते हैं। तो VD जो होता है हमारा क्या होता है, V प्लस मतलब नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज माइनस इन्वर्टिंग वोल्टेज इज इक्वल टू VD। अब इसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 मान सकते हैं हम, क्योंकि 10 μV बहुत छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू को अराउंड 0 मान सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर इसको 0 मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, V प्लस इज इक्वल टू V माइनस, मतलब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो वोल्टेज है वो ही इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वोल्टेज होगी। कहने का मतलब दोनों इनपुट टर्मिनल्स पे बराबर वोल्टेज होगी। बराबर वोल्टेज होना मतलब शॉर्ट सर्किट होना, दोनों पे अगर वोल्टेजेस बराबर हैं तो मतलब शॉर्ट सर्किट है। आइडियली हम समझने की कोशिश करें तो अगर वोल्टेज हमने पॉजिटिव मतलब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को अगर ग्राउंड कर दिया तो उस पर क्या वोल्टेज है, 0 V। अब 0 V एक पे है तो दूसरे पे भी V माइनस मतलब इन्वर्टिंग टर्मिनल पे भी 0 V होगी। तो अगर एक टर्मिनल को ग्राउंड किया है तो दूसरा टर्मिनल ऑटोमेटिकली ग्राउंड हो जाएगा, इसीलिए हम इसको कहते हैं ग्राउंड, वर्चुअल ग्राउंड। वर्चुअल इसलिए क्योंकि एक्चुअल में हम इसको ग्राउंड नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल में केवल एक टर्मिनल को ग्राउंड कर रहे हैं। तो दूसरे टर्मिनल की वोल्टेज क्योंकि इक्वल होती है इसलिए वो भी 0 हो जाएगी। तो इसे हम वर्चुअल ग्राउंड या वर्चुअल शॉर्ट, ये कंसेप्ट है। अब इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और ओप एम्प की एक एप्लीकेशन है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ओप एम्प इज अ कैन बी यूज एज अ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, हाउ इसको समझने की कोशिश करते हैं। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में क्या किया हमने, नेगेटिव टर्मिनल मतलब इन्वर्टिंग टर्मिनल पे आउटपुट से फीडबैक रजिस्टर कनेक्ट कर दिया। एक R1 इनपुट रजिस्टर है, VIN इसके इनपुट वोल्टेज है। अब हम देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि ओपैम्प का इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, आइडियली देखा जाए तो इनफाइनाइट और प्रैक्टिकली देखा जाए तो मेगा ओम्स में। अब अगर इतना ज़्यादा ओपैम्प का इंटरनल रेजिस्टेंस है तो टर्मिनल पॉइंट ए से, ये देखने की कोशिश कीजिए, ये एक एरो मार्क किया है मैंने, पॉइंट ए से ओपैम्प के अंदर कोई भी करंट नहीं जाएगा क्योंकि इसका रेजिस्टेंस इतना हाई होने की वजह से। हाई रेजिस्टेंस मतलब इज समवॉट सिमिलर टू ओपन सर्किट, ओपन सर्किट में कभी भी करंट फ्लो नहीं होता। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि पॉइंट ए से ओपैम्प के अंदर कोई करंट नहीं जाता। अब इस कंसेप्ट से हम आगे बढ़ते हैं। पॉइंट ए है जिस पे हमको सपोज कीजिए वोल्टेज निकालना है, तो सिंपल हम KCL लगाते हैं नोड ए पर, उसकी इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, VA मतलब ए नोड पे हम वोल्टेज मान लेते हैं V और सबस्क्रिप्ट A, VA माइनस VN अपॉन R1 वोल्टेज डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू करंट, और प्लस VA माइनस आउटपुट वोल्टेज जो RF के अक्रॉस करंट फ्लो कर रहा है उसकी इक्वेशन, VA माइनस V0 अपॉन RF दोनों का सम इज इक्वल टू 0, यही KCL होती है। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सेकंड वाली टर्म को राइट साइड में ले जाते हैं तो माइनस के साइन के साथ चली जाएगी। अब हमने पिछला कंसेप्ट पढ़ा था वर्चुअल ग्राउंड, वर्चुअल ग्राउंड क्या कहता था कि अगर एक टर्मिनल को हमने ग्राउंड किया है तो दूसरे टर्मिनल पर भी वोल्टेज 0 होगी। तो बाय अप्लाइंग वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल मतलब पॉजिटिव साइन जिस पे है वो ऑलरेडी ग्राउंड है, मतलब उस पे वोल्टेज 0 है, तो VA वोल्टेज भी 0 होगी वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के एप्लीकेबिलिटी के हिसाब से। अब इसको हम इक्वेशन में डाल देते हैं, VA इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास बच जाता है माइनस VIN अपॉन R1 इज इक्वल टू V0 अपॉन RF। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो V0 अपॉन VIN इज इक्वल टू माइनस RF अपॉन R1, ये होता है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन। V0 अपॉन VIN ये होता है गेन। अब ये इसको हम कहेंगे क्लोज लूप गेन, क्लोज लूप गेन ऑफ अ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। यहाँ पे हमें RF अपॉन R1, RF के आगे माइनस का साइन दिखेगा, इसका मतलब ये है कि फेज डिफरेंस 180 डिग्री है,
जो कि इनपुट सिग्नल है, जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं एक साइनसोइडल इनपुट सिग्नल लिया है और आउटपुट पे हमें थोड़ा सा एम्पलीफाइड वर्जन मिला है इसका, बट इसका फेज़ इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल का फेज़ डिफरेंस 180 डिग्री है, आउट ऑफ फेज़ हैं दोनों, मतलब इनपुट सिग्नल जिस फेज़ में है उसका 180 डिग्री फेज़ डिफरेंस है आउटपुट सिग्नल में, इसीलिए 180 डिग्री फेज़ डिफरेंस की वजह से ही माइनस का साइन यहाँ पे आ जाता है। तो ये तो रहा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, और जैसे कि हमने देखा वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर न्यूमेरिकल में आपका यूज़ होगा कि दोनों टर्मिनल्स पे, दोनों इनपुट टर्मिनल्स पे वोल्टेज बराबर होती है, इसका यूज़ करके हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और आपने थोड़ा सा लीनियर रीजन देखा, तो ये एक एप्लीकेशन है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। नेक्स्ट क्लास में हम नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर समझने की कोशिश करेंगे। दैट इज़ ऑल, थैंक यू फॉर लिसनिंग।